फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्रेस्पी डोसा बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। देखिए ये कितना क्रेस्पी है। इसे हम मूंगफली की चटनी के साथ इस प्रकार खा सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी है। इसे हम सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नारियल की चटनी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्रेस्पी क्रंची डोसा बनाते हैं। फ्रेंड, कुरकुरा डोसा बनाने की सामग्री इस प्रकार से है। फ्रेंड, हमने इस कप से एक कप उड़द का दाल लिया है और तीन कप इस चावल को लिया है, थोड़ा सा चने का दाल, थोड़ा सा नमक, ये मेथी दाना। इन चारों को फ्रेंड हमने अच्छे से धुल करके रात में भिगो दिया है और रात भर भीगने के बाद ये इस प्रकार फूल के तैयार हो गया। अब इसे हम मिक्सर में डाल के पीसेंगे। इस प्रकार हमारा बैटर महीन पीस रहा है। फ्रेंड, हम डोसा का बैटर इडली के बैटर से थोड़ा महीन पीसते हैं। इस प्रकार फ्रेंड हमारा ये डोसा का बैटर बढ़िया से पीस गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से चलाएंगे। फ्रेंड, इस बैटर को हम एक दो घंटा कवर करके रख देंगे, उसके बाद इससे हम डोसा बनाएंगे। फ्रेंड, 4-5 घंटा में हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। पहले हम डोसा तवा को रखेंगे और उसे तेल से ग्रीस करेंगे। तेल डालने के बाद उसे हम किसी सूती कपड़े से पूरा फैलाएंगे। अब इसमें हम बैटर को डालेंगे और इसके किनारे पर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल गिराएंगे। फ्रेंड, जब हम बैटर डालें तो हमारा फ्लेम स्लो होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप डोसा तवा को छोड़ रहा है। अब इसे हम पलटेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये कितना कुरकुरा डोसा बनके तैयार हुआ है। एक डोसा बनाने के बाद अब इस पे हम पानी का छींटा मारेंगे, इससे तवा में कुछ ठंडापन आ जाता है। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। इस प्रकार फ्रेंड हमारा क्रंची और क्रिस्पी डोसा बनके तैयार हो गया है और इसी प्रकार हम सभी डोसा को बना लेंगे। फ्रेंड, इस प्रकार हमारा ये क्रिस्पी डोसा बनके तैयार हो गया है, जिसे हमने सांभर और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। फ्रेंड, मूंगफली की चटनी और सांभर बनाने की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल दिया है, जिसे आप डोसा के साथ बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये डोसा बनाने की रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल मिनी स्वीट डिशेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।